नगर निगम के पार्षदों ने नगर आयुक्त और महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि करीब आधा दर्जन से ऊपर पार्षदों ने दिन रात्रि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने में भाजपा और सभा के पार्षद आयुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम महापौर के द्वारा जन समस्याओं को लेकर सभी पार्षदों को बैठक में बुलाया गया था, बैठक में लेकिन नगर आयुक्त बिना मिले ही वहां से चले गए। आपको बता दें जिससे नाराज होकर नगर आयुक्त के तानाशाही रवैये से नाखुश महापौर से भी पार्षदों की नाराजगी देखने को मिली। आरोप है कि इस बैठक में सांसद लल्लू सिंह को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें पार्षदों के दल की अध्यक्षता करने के लिए महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने हामी भरी थी। वहीं बताया गया कि नगर आयुक्त आए बिना मिले ही चले गए थे। आयुक्त का रवैया हिटलर शाही वाला था। वो अपने आप को खुद को सीएम का रिश्तेदार बनाकर जताते हैं और धौंस देते हैं। धरने पर बैठे पार्षदों ने मांग किया है कि जब तक नगर आयुक्त से नहीं हटाया जाएगा तब तक वह धरना जारी रहेगा। लोग अयोध्या नगर निगम प्रशासन की तरफ से उनके सूचना पर हम लोगों को यहाँ बुलाया गया था। अयोध्या कार्यालय को, नगम कार्यालय को बनाने के लिए शासन को जो इन्होंने परिपत्र भेजा है कि आसिफबाग गांव में, उसी को मसले के तहत कल पार्षदों ने कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसी के मद्देनज़र ये नगर प्रशासन ने सांसद जी और महापौर जी के उसमें एक मीटिंग करने के लिए हम लोगों को सूचना दी थी कि आप लोग 12 बजे पहुँचिए। हम लोग जब 12 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे। नगर आयुक्त अपना आए और बगैर कुछ बताए, ना कुछ बुलाया है तो किस लिए बुलाया है, बात करना चाहिए था। कोई आदमी घर पे मेहमान बुलाता है तब भी उसका इंतज़ार करता है, और ये बगैर कुछ कहे और बहाना बना के यहाँ से चल दिए। उसके बाद माननीय सांसद महोदय आए, सांसद महोदय ने बात रखी और बताया। हम लोगों ने पूछा क्या बात है, तो कहें भाई हमको सूचना थी कि पार्षदों के साथ बैठना है तो हम चले आए। उन्होंने अपनी मीटिंग कहीं दिल्ली में थी, उसको छोड़ दिया था आज के कार्यक्रम। और नगर प्रशासन का ये दायित्व तो है कि हमारे यहाँ के वो सांसद हैं और उनकी उनको बुलाकर और आप उनकी इस तरीके से अवहेलना करके और आप चले गए बगैर इंतज़ार किए, कम से कम आपको सूचित करना चाहिए था सांसद जी हम आ गए हैं और पार्षद कुछ आ गए हैं, आप आ जाइए, बातचीत जो होनी है वो शुरू हो जाए। लेकिन उन्होंने उनका भी कोई मान सम्मान नहीं रखा और अपना यहाँ से चले गए। और वो पूरी तरीके से हिटलर शाही यहाँ पर बनाए हुए हैं। वो सीधे कहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम मुख्यमंत्री ने हमको भेजा है। तो मुख्यमंत्री ने अगर भेजा है उनको तो यहाँ का विकास करने के लिए भेजा है कि विनाश करने के लिए भेजा है? जब आप जनता की कोई बात सुनोगे नहीं, जनता के आप प्रतिनिधि हो, आप जनता के नौकर हो, और हम लोग जनता ने हमको चुनकर भेजा है समस्याओं के निदान कराने के लिए, जब हम कोई समस्या आपसे कहेंगे आप सुनोगे नहीं तो किस बात के लिए आप अधिकारी हो? ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दिया कि आज सारे पार्षदों को मजबूरन दरी पर बैठना पड़ा। और इसमें सारी जिम्मेदारी नगर आयुक्त की है कि उन्होंने हम लोगों को बुलाकर और इस तरीके से उपेक्षित करने का काम किया है, जिससे सारे पार्षद अब इनकी हिटलर शाही और तानाशाही रवैये के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और जब तक लड़ाई अंतिम दौर तक नहीं पहुंच जाती, अब धरना ये समाप्त नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन, माननीय महापौर, माननीय सांसद जी की उपस्थिति में आप लोगों के साथ एक बैठक करना चाहता है और आपकी जो भी जन समस्याएँ हैं जनता को लेकर उसको जानना और निस्तारित करना चाहता है। हम सभी पार्षदगण आज भारी बारिश, जल भराव की स्थिति से गुजरते हुए इस नगर निगम के प्रांगण में सुबह जब पहुँचे तो माननीय महापौर जी जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस बैठक की, वो यहाँ नहीं आए। और उसके बाद नगर निगम प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी नगर नायक महोदय, जो कि सारा काम ये कहते हैं और हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में मैसेज काउंट कराते चले आ रहे हैं कि हमको योगी जी ने भेजा है, हम योगी जी के रिश्तेदार हैं और हम अयोध्या को सजाने और संवारने का काम करेंगे। जब यहाँ बैठक शुरू हुई, हम सभी पार्षद यहाँ पहुँच चुके हैं, तो नगर आयुक्त महोदय किसी दूसरी मीटिंग का हवाला दे के यहाँ से चले गए।
और बगैर किसी को कोई सूचना दिए हुए माननीय सांसद जी पहुँचे, माननीय सांसद जी को भी अवगत नहीं कराया और हम सभी पार्षदगण अपने को ठगा सा और क्षुब्ध महसूस कर रहे थे। माननीय सांसद जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई, माननीय सांसद जी जो जनता के प्रति काफ़ी जागरूक हैं उन लोगों ने हम लोगों की समस्याओं को समझा और सुना और इस बात की भी चिंता व्यक्त की कि इस नगर निगम प्रशासन में इस तरह का नगर आयुक्त है जिसको जनता की कोई समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। ऐसी कौन सी बैठक थी, ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो यहाँ पार्षदों को माननीय सांसद जी को बुला लिया और उसके बाद एकाएक खुद ही गायब हो गए। उनकी इस कार्य प्रणाली से हम लोग इतना आहत हुए, माननीय सांसद जी के मान सम्मान को भी ठेस पहुँची जिन्होंने हमारी समस्याओं को समझा और सुना, उनको भी ठेस पहुँची और हम लोगों को भी ठेस पहुँची। और हम लोग इसी ठेस के तहत नगर आयुक्त महोदय के इस तरह के तानाशाही वाले पूर्ण रवैये के खिलाफ आज धरने पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं, जनता की समस्याओं को निराकरण कराने के लिए मजबूर हुए हैं। माननीय सांसद जी के मान सम्मान की रक्षा करने के लिए आज हम लोगों को इस धरने पर बैठना पड़ा है और इस नगर निगम कार्यालय पे जहाँ पे नगर आयुक्त महोदय का कमरा है शायद वो भी अपने को रोता होगा कि कौन सा शासक प्रशासक यहाँ है जो नगर निगम कार्यालय में बैठना ही नहीं चाहता है। उनको अगर बैठना होता है तो नगर विकास प्राधिकरण में बैठते हैं, विकास प्राधिकरण में बैठना पसंद करते हैं और जनता की कोई भी समस्या, जनता यहाँ तक कि उनसे डरती है मिलने में क्योंकि जो आचरण और व्यवहार है उनका बहुत तानाशाहीपूर्ण है। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी तक डरते हैं, वो अपना कोई कार्य बढ़िया से कर सकते हैं सुचारू रूप से कर नहीं सकते हैं, उनको यहाँ तक कि वो डंडे से मारने के लिए भी डराते धमकाते हैं। इसी सब बातों को लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं और ये लड़ाई हम लोगों की अनवरत जारी रहेगी। इस तरह के शासक प्रशासक की व्यवस्था नगर निगम में हम लोग कतई नहीं चाहते हैं जो हमारी अयोध्या की जनता को ठगा सा महसूस करवा रहे हैं। अपनी ईमानदारी को लेकर जो ये बिगुल फूंकते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, हम आपकी ईमानदारी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपका जो काम करने का रवैया है, जो हम लोगों के साथ यानी पार्षदों के साथ कोई सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहता, आपका जो रवैया है उसको लेकर हम क्षुब्ध हैं और तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक शासन प्रशासन आपको यहाँ से हटा नहीं देता।